देखो जी, फिजिकल स्टॉक जो होता है वो एंट्री हम तब करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे गोडाउंस में जो हमारा माल है, जो गुड्स है, वो कुछ अलग पड़ा होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से माल ख़रीदा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20 kg मिल्क परचेज किया, तो उसके साथ आपको 5 kg मिल्क फ्री मिल गया। एग्जांपल की 5 kg आपको जो मिल्क है फ्री मिल गया, ठीक है। तो अब आपके जो गोडाउंस है उसके अंदर एक्चुअल आपको कितना दिखाई दे रहा है, 20 kg दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपका जो गोडाउंस है वो 25 kg है, ठीक है। तो हम उसको मैच करने के लिए, गोडाउन के साथ बुक को मैच करने के लिए फिजिकल स्टॉक का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री वाउचर में जाते हैं और यहाँ से अल्ट के साथ F10 दबाते हैं। अल्ट के साथ F10 दबाने के साथ फिजिकल स्टॉक आता है। पर ये देखो, अगर हम आपको सबसे पहले गोडाउन दिखाते हैं तो यहाँ पे देखो 20 लीटर मिल्क है और राइस है 20 kg, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास 25 kg मिल्क है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे और यहाँ से अल्ट के साथ F10 दबाएंगे, फिर यहाँ से फिजिकल स्टॉक आएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारा मिल्क हमारे गोडाउंस में कितना पड़ा हुआ है, हमारा गुड्स जो है हमारे गोडाउंस में 25 kg पड़ा हुआ है, एंटर कर दिया। अब यहाँ से एस्केप करके देखेंगे किसके अंदर जाकर, स्टॉक समरी के अंदर जाकर, तो हमें 25 kg दिखाई देगा। इसमें और भी कई तरह की एग्जांपल हो सकती हैं, खाली ऐसा ही नहीं है। अब ऐसे कह सकते हो कि हमारी एम्प्लॉइज़ जो हैं, हमारे वर्कर जो हैं, उनसे कोई बाय मिस्टेक गलती से ज़्यादा माल चला गया है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप फिजिकल स्टॉक को बुक के साथ या स्टॉक समरी के साथ मैच कर सकते हैं। तो वीडियो देखो और शेयर करो। थैंक यू।